तुर्की की स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 10 फीट धस चुका है तुर्की। तो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तो जब 5000 से ज्यादा इमारतें एक साथ गिर गई होंगी तो आखिर क्या हुआ होगा? कल यीशु मसीह के नाम में सुधर जाओ, आत्मा कहता है, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे लेकिन इंडिया में भी आप करना भी बहुत मुश्किल है। हॉलीवुड की किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा डराने वाले सीन तुर्की नहीं तो बर्बादी को देखेंगे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़े हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको पहले जैसा नहीं रखा, आत्मा से प्रेर करेंगे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है, क्योंकि लोगों ने कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे आप, देखेंगे आने वाले समय। मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूँ कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे हैं स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा, आग लगेंगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूँ नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि बहुत जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे बहुत सारे। मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है, क्योंकि लोगों ने कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो, जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानी आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं।
पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में है, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है, जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं, हम परमेश्वर के रूप में उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फिक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फिक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है, हमें उनका महत्व ख़त्म करना है, जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है, हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है, चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो। क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में, कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे, तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है, आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो, इसी से बचोगे हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से, जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे। यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें।